लगभग गौतम बुद्ध के समय से ही यहाँ बौद्ध मत ने भी अपनी जड़ें जमा ली थी, यानी कि मध्य जनपद और अमरण यानी अखनूर में। कालांतर में राजपूत, ठक्कर और नागवंश के शासकों के हाथों इस क्षेत्र में अमन चैन शांति का ऐसा दौर आया कि दूर दूर से आए व्यापारियों के कारवां और सैलानियों के झुंड यहाँ की वस्तुओं, कलाओं और शोहरत को चारों दिशाओं में फैलाने लगे। इतिहास बताता है कि धीरे धीरे जम्मू प्रदेश को छोटी छोटी रियासतों में बांटकर नगर नगर कोटों को बसाया और उनको भारतीय नगर शैली वास्तुकला में निर्मित मंदिरों, महलों, हवेलियों तथा तालाबों से सुसज्जित किया। 16वीं सदी में राजा अवतार देव ने इस इलाके को अपनी राजधानी बना दिया और राजा शिवदेव के हाथों शुरुआत हुई जम्मू जामवाल राजवंश की। अब तो जम्मू मंदिरों, मजारों, सूफियों, महंतों का पवित्र स्थान बनने लगा, पर सब में बहुत ऊंचा स्थान हमेशा से रहा बाबूबानी माता महाराष्ट्र के अनुसार जिनकी प्रतिमा को आठवीं सभी में पावन अयोध्या से यहाँ लाकर स्थापित किया गया था। मुगलों ने जब सारे हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया तो भी जम्मू को डोगरों के संरक्षण में ही रखने दिया गया। आठवीं सदी में राजा रणजीत देव के वक्त में जम्मू की डोगरा रियासत फूलने फूलने लगी और उन्होंने तब ही मुबारक मंडी के महलों की नींव रखी। राजा रणजीत देव ने आसपास की 22 रियासतों को जोड़कर एक मजबूत राज्य स्थापित किया और जम्मू शहर दारुल अमन या शांति स्थान कहलाने लगा और यहाँ शांति पाने और अमन के साथ काम करने के लिए हर मजहब के लोग आने और बसने लगे। जहाँ मुगलानी बेगम जैसे बड़े लोग यहाँ आ बसे तो वहीं हजारों कारीगर, दस्तकार, कलाकार भी, जिनके नाम पर जम्मू में
आज भी कई मोहल्ले मौजूद हैं। उधर पास के पंजाब में सिखों का वर्चस्व शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जम्मू भी पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया। पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी पीढ़ी से जागीरदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू राज्य की बागडोर सौंप दी। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से भी और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए। गुलाब सिंह ने वीर हर सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पठानों की फौज को भी खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य की सीमाओं को लद्दाख और तिब्बत तक बढ़ा दिया। लद्दाख और तिब्बत की इन महीनों की अगुवाई की थी कहलूरा राजदूत सिपाही सालार जोरावर सिंह ने। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। जम्मू के राजा की गद्दी पर बैठने के बाद इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय गुरु प्रेमदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सुई सिमली में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे दिलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब पूरा सूबा पंजाब अंग्रेजों के चंगुल में था, पर ये सूरत डोगरों को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में एक संधि की। इस करार के मुताबिक एक मुस्लिम घोड़ा, 3 सोने के तार से कढ़े कश्मीरी शाल, 12 पश्मीना भेड़े और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके प्रतिभाशाली बेटे रणवीर सिंह ने, जो एक बहादुर राजा के साथ साथ धार्मिक एवं जागरूक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो उन्हीं के जमाने में इस किले यानी किलाए बाहू को फिर से नई तरह से बनाया और सजाया गया। अब जम्मू में भी नए महल, नए बाग, नई इमारतें तामीर की जाने लगी। रणजीत सिंह ने धार्मिक स्थलों का पुनः निर्माण किया और साथ ही पूर्वमंडल व उत्तर वाहिनी में मंदिर श्रृंखलाओं का भी निर्माण करवाया एवं इनके साथ माँ गंगा की बड़ी बहन मानी जाने वाली नदी देवक के तट पर संस्कृत पाठशाला स्थापित की।